भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर लोकल कमेटी रामपुर ने माकपाइयों ने चौधरी अड्डे पर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और पट्टिकाओं के साथ नारेबाजी करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बस किराए में 25% बढ़ोतरी व न्यूनतम किराए की दरें 5 से बढ़ाकर 7 रुपए करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के संकट में बस किराए में वृद्धि से आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ा है। बस किराए के बढ़ने से भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुपचुप तरीके से कुछ लोगों के दबाव में आकर बस किराए वृद्धि को अंजाम देकर प्रदेशवासियों के साथ इस संकट की घड़ी में धोखा किया है। इस निर्णय से सरकार का जन विरोधी चरित्र सामने आया है। उन्होंने बताया कि सरकार इस जन विरोधी फैसले को वापस नहीं लेती है तो CPM आने वाले समय में इस फैसले के खिलाफ और उग्र आंदोलन करेगी। पार्टी लोकल कमेटी रामपुर ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर बस किराए वृद्धि को वापस ना लिया गया तो पार्टी जनता व मजदूर वर्ग को लामबंद करके प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा करेगा। CPIM नेता कुलदीप ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बस किराए वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया गया, सरकार को भी चेतावनी दी गई है कि इस बस किराए को वापस नहीं लिया तो आंदोलन होगा। प्रदेश सरकार द्वारा जो बस किराए के अंदर जो 25% वृद्धि की है, ये आम जनता पर जो है आर्थिक बोझ जो है प्रदेश सरकार के द्वारा डाला गया है, जिसका जो है CPM लोकल कमेटी रामपुर जो है खूब जोर जो है विरोध करती है और आने वाले समय में जो है इसके खिलाफ आम जनता को लाम बंद करते हुए जो है संघर्ष तेज किया जाएगा। CPM नेता बिहारी सेवकी ने बताया कि रामपुर चौधरी अड्डे में प्रदर्शन किया गया। हिमाचल सरकार ने बस किराए में 25% वृद्धि की है और न्यूनतम किराया 5 से बढ़ाकर 7 रुपए किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर पूरी दुनिया में कोरोना से मंदी छाई है, लेकिन हिमाचल सरकार प्रदेश की जनता पर बोझ थोप रही है। आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि जो जयराम सरकार ने अभी 2 दिन पहले बस किराया 25% बढ़ाया, इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। पूरे देश में, पूरे दुनिया में लोगों को कोरोना वायरस से जो नुकसान हो रहा है उससे राहत दी जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की ऐसी सरकार है, ये बोझ डाल रही है, आर्थिक बोझ, जिसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। और खुद जयराम ठाकुर ने यहाँ के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिए कि मैं इसको अंतरात्मा मेरी इसको बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रही है, फिर भी उन्होंने बढ़ाया। इन्होंने साबित कर दिया कि भी इनको मजबूरी है, प्रेशर है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कर रहा है उनकी प्रेशर में ये किराया बढ़ा रहा है।